जल ही जीवन है, यह बात तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन जल में भी जीवन है, इस बात को हम महसूस नहीं कर पाते। पृथ्वी का निर्माण करोड़ों जीवात्माओं के समूह से हुआ है और वायु में भी जीवन चक्र उसी तरह चल रहा है जिस तरह हमारा जीवन चक्र चल रहा है। लेकिन मायावी शक्तियों के प्रभाव के कारण हम लोगों ने वसुंधरा, जल और वायु को एक निर्जीव वस्तु मान लिया है, जबकि यही निधियां हमारे जीवन का मूल आधार है। स्वार्थी भावना प्रभावी होने के कारण हम संसारिक धन दौलत की तो विधिवत पूजा अर्चना करते हैं और अनाज आदि को सुरक्षित रखने के लिए भी लाखों यत्न करते हैं, लेकिन जीवन के मूल तत्वों के प्रति निर्दयता अपनाते हैं। धरती पर चोट करते समय हमें यह एहसास क्यों नहीं होता कि हम किसी के जीवन से छेड़छाड़ कर रहे हैं? वायु में विषैले तत्व छोड़ते समय मानवीय सभ्यता क्यों भूल जाती है कि वह किसी जीवन को दूषित कर रही है? जल भंडारण में गंदगी डालते समय हम क्यों नहीं सोचते कि इसके आधार पर मेरा जीवन चक्र चल रहा है? जल ग्रहण करते समय जल का धन्यवाद नहीं करते, धरती पर चलते समय धरा का एहसान नहीं मानते और श्वास लेते समय अपने ईश्वर को याद नहीं करते, लेकिन अपने द्वारा निर्मित धर्मस्थलों में जाकर दिन रात नतमस्तक होते हैं और खुद में खुदा ढूंढने की बजाय यहाँ वहाँ खुदा ढूंढने का प्रयास करते हैं। ईश्वरीय शक्ति का साक्षात स्वरूप वायु, जल और पृथ्वी के रूप में हमारे एक दिन पैदा हुआ है और हम गांधारी की तरह आंखों पर अहंकार की पट्टी बांध कर यहाँ वहाँ ईश्वर को ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे पूर्वज इन सभी तत्वों के प्रति समर्पित भाव रखते थे, इसलिए वह वसुंधरा को माता का स्वरूप मानते थे, पर्वतों को देवताओं का निवास स्थान और नदियों की पवित्रता का महत्व समझते थे। लेकिन हम लोगों ने धरा को भोग्य वस्तु मानना शुरू कर दिया और पर्वतीय क्षेत्रों को ऐशगाह में परिवर्तित कर दिया और उस पर किस्मतियों की मानवीय सभ्यता विकास की ओर अग्रसर। हर हर महादेव।